थे वो एआरवाई न्यूज नवाबशाह। अमरीकी कोस्ट गार्ड के जहाजों ने कराची बंदरगाह का दौरा किया। बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अमरीकी सिफारतकार के अमले ने जहाज का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और अमेरिका की बहरी अफवाज मुश्तरका समंदरी मशकों में हिस्सा लेंगी। अमरीकी कोस्ट गार्ड के जहाज कराची बंदरगाह पर 13 अक्टूबर तक मौजूद रहेंगे। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान पेशावराना ताल्लुकात का फरोग। अमरीकी कोस्ट गार्ड के कप्तान एरिक हिंगल ने कहा कि पाकिस्तान आना इनके लिए बाइस से खुशी है। वो एक इंतहाई मुतहर्रिक खते में बाहमी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए कोशा हैं। रवां साल पाक अमरीका ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर जश्न मना रहे हैं। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी, इंसदाद माहौलियाती तब्दीली, तालीम, सेहत, सकाफती विरसों के तहफ्फुज़ के शोबों में तआवुन जारी है। अमरीकी वफद ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। अमरीकी कोस्ट गार्ड के कप्तान एरिक हिलगन ने मजारे पर फूल रखे और मेहमानों के खिताब पर अपने तासुरात दर्ज किए। उन्होंने पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान और कायद आजम की हमशीरा फातिमा जिना के मजार का दौरा करते हुए उन्हें भी खिराज तहसीन पेश किया।